अगर कुछ हुआ सीन दिखाने के तो मैं दिखाता हूँ, वरना सीधा पार्क में जाके मिलते हैं। ओके भाई साहब, ऐसा सब कुछ है। हम आए इधर से और इधर जाना है, फिर आगे उस ब्रिज से इस तरफ जाके ये पूरा उस साइड जाना है। वो जो गाड़ी जा रही है उधर, उस साइड से हमें आगे जाना है। तो ये हमारा ट्रैक है DomeJean-Drapeau पार्क जाने का, और इसके पूरे लेफ्ट में ये डाउनटाउन दिखता है मॉन्ट्रियल का। पूरा वी हैव टू गो दिस वे, लेट्स गो। तो ये हम आ गए ओल्ड पोर्ट की सामने की साइड पे। जो सामने आपको दिख रहा है वो ओल्ड पोर्ट है, और ये स्पेसिफिक लाइन है बाइकर्स के लिए। तो ये बाजू में है गाड़ीज की लाइन, कार्स की लाइन, गाड़ीज क्या होता है, कार्स की लाइन कार्स की लाइन। और ये सामने जो आप देख रहे हैं वो ओल्ड पोर्ट है, और वो है मेरी गोल्ड राउंड, और उसके बाद वो जो पर्पल वाला दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, और व्यू ये कहाँ, हाँ ये जो दिख रहा है ना वो स्काई लाइनिंग के लिए है। तो अगर आप ओल्ड पोर्ट जा रहे हो तो यहाँ पे स्काई लाइनिंग भी चालू हो गया है। ये मेरी गोल राउंड तो चालू है ही, बाकी तो देखते हैं इस साइड भी चलेंगे, बाकी अब तो चलते हैं इस साइड। हाँ तो ये है DomeJean-Drapeau का ये वाला, और ये है सेंट लॉरेंट नदी रिवर, और इसके नीचे से भी मेट्रो जाती है। जो आपने देखा था वो मेट्रो जंक्शन वाला व्लॉग, हाँ मुझे मालूम है वो फिर से डालना है, पर उसमें जो येलो लाइन थी वो इस रिवर के नीचे से जाती है। ओ भाई सच में यार, झूठ नहीं बोल रहा मैं। सो वी हैव नाउ एंटर्ड इन DomeJean-Drapeau। तो ये सब ट्रैक्स हैं जहाँ पे आप साइकिलिंग कर सकते हो। ऐसा पूरा गंगोर इलाका है ब्रो, इधर जा नहीं सकते। क्यों जा नहीं सकते, जाएंगे ये स्लोप आया इधर, इसका साइन का मतलब। ये चले हम, इस साइड नीचे रिवर है। ओ भाई ये सब कुछ भी यहाँ दिखने को मिल जाता है बिडू। तो जिसको स्विमिंग का भी शौक है तो
जोन डोपू का स्विमिंग पूल भी ओपन हो गया है कॉमन पीपल के लिए। और जैसे मैं अगर कोई है जिसको साइकिल लेके आना है तो डोंट नीड टू वरी अबाउट पार्किंग, बहुत सारी है भाई, जहाँ चाहे लगा लो। तो ये है स्विमिंग पूल, इधर बंदे खड़े हैं अंदर स्विमिंग कर रहे हैं। ये सराउंडिंग, ये पूरा स्विमिंग पूल, ओ भाई साहब डीजे बाल्टी, भाई ये तो डीजे पार्टी चल रही है इधर, पर वो भी कोई नाच नहीं रहा। तो ये है वो डोम जो ब्रिज से दिखा था, और ये पूरा कॉन्सर्ट की जगह है। तो यहाँ पे नाइट में लाइटिंग भी होती है, और ये पूरा ऐसा इधर से लेके वो सामने इधर नीचे तक पूरा स्टेज है। हाँ तो भाई वो तारी, हम आ गए जोन डोपू पार्क में। तो ये ऊपर की साइड पार्क है, ऊपर की साइड, और ऐसे नीचे उतर के ये पूरा बीच टाइप है थोड़ा। उधर अंकल जी फिशिंग कर रहे हैं, तो ऐसा है ये लोकेशन। अगर आप कैसीनो जाना चाहते हैं मॉन्ट्रियल में जो है, और आपको मतलब आपके पास कार नहीं है, तो आप इस जोन डोपू मेट्रो स्टेशन पे आ सकते हो, एंड वहाँ से 777 नंबर की बस भी पकड़ सकते हैं जो यहाँ पे होती है। ये जो स्टेशन है तो वो है 777 मेट्रो, 777 बस का स्टेशन जो जाती है कैसीनो के लिए, और ये है दूसरी बस जो है 767 जो में भी जाती है लारोंदे की तरफ, या लारोंदे। ये रहा मेट्रो जोन डोपू। हाँ तो बस भाई इतना ही था दिस वीकेंड। तो ये रहा वो ब्रिज जहाँ से मैंने आपको वो डोप दिखाया था, और नीचे ये सेंट लॉरेंट रिवर। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब तो ज़रूर करना, धीरे धीरे सब्सक्राइबर हम बढ़ाते चलेंगे भाई, बढ़ाने तो हैं यार, इसीलिए तो स्टार्ट किया है। तो ये रहा वो ब्रिज, वी आर एक्जैक्टली अंडर दैट ब्रिज। ओ भाई देखो पुरानी बोट भी पड़ी हुई यहाँ पे। ओह बस, ओह सॉरी। तो ये लास्ट व्यू है इस व्लॉग के लिए, तो इसको एंजॉय कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बाकी तो
मौज करो लाइफ में, चाय पियो, मज़े करो और मम्मी पापा का सुनो, क्योंकि जितने साल के आप हो उतने साल का उनका एक्सपीरियंस है लाइफ में, तो वो जो भी कहेंगे वो आपके अच्छे के लिए ही कहेंगे, तो सुनो उनकी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, एंड हैव अ गुड डे एंड गुड वीकेंड ऑल्सो एंड गुड वीक एज़ वेल। थैंक्स, बाय।